नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं छोटा सा संवाद करने के लिए। और बात यह है कि प्रश्न आ रहा है कि ये जो हिंदी साहित्य के अन्य विधाओं में जो रचनाएं हैं, चाहे वो आत्मकथाएं, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये कैसे याद करें क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ इनके लिए। साथियों, ट्रिक तो बना नहीं सकते ना। अभी किसी ने एक संस्मरण लिखा, किसी ने दो लिखे, कैसे ट्रिक भी कैसे बनाएं हम, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तो अपनी ओर से कोई काव्य, कोई कविता के माध्यम से भी आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। और वो आपकी आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कि जो ये जो आत्मकथाएँ हैं, जीवनियाँ हैं, संस्मरण हैं, रेखाचित्र हैं, ये कितने पढ़े या कौन से पढ़े, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, हिंदी मास्टर कैडर का सिलेबस है आपके पास, उसमें जितने भी कवि लगे हैं, चाहे भारतेंदु युग के कितने कवि लगे हैं, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद के कितने कवि लगे हैं, ठीक है, पहले वो आप लिस्ट बना लीजिए। फिर उसके आगे कितने नाटककार लगे हैं, कितने कहानीकार लगे हैं, मैं कह रहा हूँ जितने साहित्यकार हिंदी मास्टर कैडर में लगे हैं उनके ऊपर जितने संस्मरण लिखे गए, किसने लिखे, ठीक है, वो तो आपने याद करने ही है। उन्होंने खुद आत्मकथाएँ अपने ऊपर लिखी, ये भी याद करना है, ठीक है। और जितनी उन्होंने जीवनियाँ किसी और व्यक्ति के ऊपर लिखी या किसी अन्य साहित्यकार के ऊपर लिखी, वो भी याद करना है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारी जीवनियाँ मैंने वो भी बोल दी जो कि हिंदी मास्टर कैडर में लगे हुए साहित्यकारों ने नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो साहित्यकार हिंदी मास्टर कैडर में लगे हुए हैं उनके ऊपर जो जीवनियाँ, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने लिखे हैं, जो उनके ऊपर लिखे गए हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, ज़्यादा प्रयत्न वही करेगा उनको पढ़ने का, क्योंकि प्रश्न वहीं से पुट होंगे। क्योंकि अगर आपने जयशंकर प्रसाद के सिर्फ नाटकों को ही याद किया, कहानियों को याद नहीं किया, तब भी दिक्कत है, ठीक है। अभी समझ लो कि उपेंद्रनाथ अशक है, उनके आप नाटक याद करके चले गए। अभी उन्होंने तो साथियों संस्मरण भी लिखे हैं, ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन हमने पढ़ाया है, ठीक है। महादेव वर्मा है, उन्होंने रेखाचित्र संस्मरण दोनों लिखे हैं, तो वो साहित्य के अन्य विधाओं, गद्य विधाओं में भी तो आए ना, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो साहित्यकार जितने भी हिंदी मास्टर कैडर में लगे हैं, ठीक है, उन्होंने जो आत्मकथाएँ लिखी या जीवनियाँ लिखी, जब उन्होंने संस्मरण लिखे या रेखाचित्र लिखे, जब उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, उनको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी जो अननोन बताए हैं वो भी पढ़ने के प्रयत्न आप जरूर करिए, जो फेमस फेमस लोगों के ऊपर लिखे हैं, चाहे वो कोई भी छोटा बड़ा साहित्यकार क्यों ना हो, उनको भी पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन जो साहित्यकारों ने जो अन्य विधाओं में काम किया है ना, वो आपने अवश्य ही पढ़कर जाना है। तो जितने भी हिंदी साहित्य के रचनाकार लगे हिंदी मास्टर कैडर में, उन्होंने जो रचनाएँ लिखी हैं वो, चाहे वो संस्मरण हैं, चाहे रेखाचित्र हैं, ठीक है, वो भी आप पढ़ के जाइए। साहित्य के अन्य विधाओं में उन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, धन्यवाद।